देख सकते हैं प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुरुषोत्तम सिंह ब्लॉग में। दोस्तों फिलहाल बताना चाहता हूँ, अभी मैं दुम्मा बॉर्डर जस्ट आ चुका हूँ। दुम्मा बॉर्डर के सामने मैं खड़ा हूँ, जो कि आपका बिहार का जो अंतिम छोर है, बिहार से अंतिम छोर यहाँ से एंट्री करने के बाद झारखंड में एंट्री करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं बिहार के अंतिम छोर पर खड़ा हूँ और यहाँ से बाबा धाम की दूरी मात्र 7-8 किलोमीटर है और नज़दीक में ही आ चुके हैं। और बिल्कुल ये बॉर्डर पर खड़ा हूँ, यहाँ से बाबा धाम की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। तो फिलहाल यहाँ से बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी गेट पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं आपको, बिल्कुल मैं वीडियो के माध्यम से बैक करके कैमरा दिमाग से देख सकता हूँ। ये बैक आपको जो दिख रहा है, ये आपका बॉर्डर है, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का अंतिम बॉर्डर है, झारखंड में एंट्री करते हैं। तो फिलहाल रात्रि का समय है और रात्रि का ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है। तो रात्रि का जो ब्लॉक बिल्कुल आप देख सकते हैं दुम्मा बॉर्डर का। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो अगर पसंद होता है तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ कि दुम्मा बॉर्डर में रात्रि का जो सुविधा है, रात्रि का जो कैसा सजावट है, कैसा किया गया बम के लिए और किस प्रकार से है। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और बने रहिए और देखिए आगे क्या हो। तो चलिए आपको बैक कैमरे से बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप झारखंड का जो है बॉर्डर यहाँ पर आ चुके हैं। बिहार जैसे ख़त्म होता है, यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से आपका झारखंड देख सकते हैं, बिल्कुल सीमा पर देख सकते हैं, आपको दिखा रहा हूँ। रात्रि के समय है, वैद्यनाथ मंदिर 10 किलोमीटर है और शिवगंगा यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है। चलिए बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है बिल्कुल स्टैंड पर रखा हुआ है और यहाँ पर दुम्मा बॉर्डर लिखा है, बिल्कुल देख सकते हैं कांवरिया बंधुओं के लिए। तो चलिए बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूँ कि रात्रि सेवा जो बिल्कुल यहाँ पर कैसे दिया गया है और कैसे बम के लिए जो सुविधा किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सजावट किया गया है। रात्रि में कैसे यहाँ पर दुम्मा बॉर्डर देखने को मिलता है और रात्रि में जो सुविधा कांवर स्टैंड के लिए किया गया, काफ़ी संख्या में लोग भीड़ है और दुम्मा बॉर्डर जो कि है बिहार यहाँ पर अंत होता है, झारखंड की यहाँ से शुरुआत होती है। तो देख सकते हैं लोग स्टैंड पर कांवर रखे हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ है और दुम्मा बॉर्डर को रात्रि के समय में ऐसा देखने को मिलता है कि स्वर्ग जैसा सजावट किया गया, देख सकते हैं बिल्कुल कांवरियों का बिल्कुल यहाँ पर भीड़ जो बना हुआ है और यहाँ पर कांवरियों का बिल्कुल रात के समय में काफ़ी भीड़ है, बोलबम गूंज उछा है और भीड़ का बिल्कुल रात के समय काफ़ी संख्या में लेकर देख सकते हैं। और बिल्कुल इनका जो सजावट जो किया गया है, दुम्मा बॉर्डर का सजावट देख सकते हैं, ये फेमस है बिल्कुल। यहाँ से बिहार की सीमा अंत होने के बाद झारखंड हम लोग प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, और रात्रि के समय आपको बिल्कुल यहाँ का मैं ब्लॉक आपको माध्यम से दिखा रहा हूँ और दुम्मा बॉर्डर का जो रात्रि का जो वीडियो होता है बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कांवरिया कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों रात्रि का सेवा है बिल्कुल आपको दिया गया है। और देख सकते हैं आज श्रावणी मास का बिल्कुल जो है कल अंतिम है, कल चौथी सोमवारी होने वाला है और मलेमास का बिल्कुल आज 16वीं दिन है, उसके बाद भी संख्या में लोग भीड़ आ रहे हैं जा रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी संख्या में। और सजावट जो किया गया बिल्कुल आप देख सकते हैं, ऐसा सजावट किया गया कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। आप दुम्मा बॉर्डर का सजावट बिल्कुल देख सकते हैं और इसके बगल में यहाँ पर कांवरिया सेवा शिविर भी निःशुल्क दिया गया, यहाँ पर आप निःशुल्क सेवा शिविर ले सकते हैं सारे। और इसके बाद यहाँ पर एलईडी का सुविधा दिया गया है, ये आपका मेन गेट है देख सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको ब्लॉक के माध्यम से दिखा रहा हूँ। रात्रि की सेवा में कैसे लगता है देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं रात्रि में कैसे दुम्मा बॉर्डर का जो है गेट कैसे दिखाया गया है, आप बिल्कुल सुविधा देख सकते हैं। तो चलिए रात्रि में कैसा सुविधा है बिल्कुल देख सकते हैं, चलिए बिल्कुल मैं आपको कैमरे से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं रात्रि में कैसा सुविधा दिया गया, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा दुम्मा बॉर्डर का जो मेन गेट है वो सुविधा दिया गया है, यहाँ से हम लोग बस एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का भी व्यवस्था दिया गया है भक्तजनों के लिए, अगर मन नहीं लगता उसके लिए यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम का भी व्यवस्था किया गया है। चलिए कुछ मैं आपको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, चलिए ब्लॉग के माध्यम से दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं, चलिए देख सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल यहाँ आ चुके हैं, सामने देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ बम जी है, उनसे बात करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा वैद्यनाथ। तो चलिए कुछ बम है जो कि आपका यहाँ सब दुम्मा बॉर्डर के पास आ चुके हैं और उनसे कुछ बात करते हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका शुभ नाम? सुमित पांडे। सुमित पांडे, आप कहाँ से? बर्धवान जिला, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। जल आपने कब उठाया? जल उठाया हमने शुक्रवार को 11 बजे। शुक्रवार को 11 बजे? शुक्रवार को 11 बजे। इस बार पहली बार बाबा धाम आए ना, पहले भी आ चुके? पांचवा बार है मेरा, पांचवा बार है ना।
आप लोग कितने बम आए? टोटल हम लोग 4 बम है। 4 बम है तो आप लोग पैदल यात्रा की? पूरा पैदल बम जी, पूरा पैदल। कि आप लोग 2 दिन में यहाँ पर आ चुके हैं ना? मैं यहाँ पर पहुँच, 2 दिन में पूरा पहुँच गए यहाँ पर। रास्ते का सुविधा आपको कैसा देखने को मिलेगा बम इस साल? बहुत अच्छा। अगले साल की व्यवस्था? इस साल कुछ बालू वगैरह कुछ मही था ना, मोटा बालू था, क्या था? ठीक था, पहले से ठीक था। ठीक था। बोलबम में आपको कैसा महसूस लग रहा है? आ रहे हैं तो कैसा लगता है? बाबा के आने का, बाबा के पास आने से अच्छा फीलिंग कभी नहीं होता है। अच्छा फीलिंग होता है ना? बाबा के पास आने से अच्छा फीलिंग कभी नहीं होता है जीवन में, इसीलिए आदमी जन्म लेता है बाबा के पास आने के लिए। तो अभी सुन रहे कि मलेमास का जो चल रहा है यात्रा, मलेमास आप लोग क्या मानते हैं? मलेमास क्या होता है जी? बाबा के पास आने के लिए मलेमास हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, और ऐसे भी हम लोग कुछ कुछ पंडित जी से पूछे हैं, वो लोग बोले कि मलेमास में भी जल चढ़ाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मलेमास तो सबसे शुभ दिन माना जाता है, तो 3 साल में पहली बार एक बार आता है। पुरुषोत्तम मास माना जाता है इसको, पुरुषोत्तम मास। जी बाम जी, बहुत अच्छा इस बार मास है ना? अच्छा मास हुआ, 19 साल बाद सुने ये जोग लिया गया है, तो इसमें हम कैसे मिस करें। ये मेरा 5वां साल है और अभी मैं आते रहूंगा, हर साल आते रहूंगा। तो रास्ते में आपको बारिश वगैरह मिला ना? धूप भी पूरा रास्ते में जी? आज बारिश मिला है, लेकिन 2 दिन धूप था, आज ही बारिश मिला। हम आ चुके हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर मात्र। बाबा के एकदम पास आ गए हैं, पास आ चुके हैं। बाबा ने बुलाया तब जाके आए। चलिए बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करें जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव, आपकी मनोकामना भी पूरी करें। चलिए बाबा इन लोगों को मनोकामना पूरी करें, और फिलहाल ये बाबा धाम आ चुके हैं, और चलिए बिल्कुल आगे का कंटिन्यू करने के लिए मैं आगे का हाल दिखाता हूँ, तब तक वीडियो पे बने रहें।